हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के निटिंग। देखिए, आज के वीडियो में ब्यूटीफुल डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन 6 रोज का डिजाइन है, वही 6 रोज आपको रिपीट करते जाना है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक, टॉप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। क्या आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रंग साइड पर ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 4 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 4, 8 फंदों का डिजाइन है। इसमें मैंने 8 का मल्टीपल करके 16 प्लस 4 एज स्टिच कर लिया है। टोटल 20 फंदा डाला है यहाँ। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो 4 फंदा उल्टा शुरू से स्टार्ट हुआ रिपीट पैटर्न। 1 2 3 4, 4 फंदा उल्टा धागा पीछे, 4 फंदा सीधा। 1 2 3 4। अब इन फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। आपको रिपीट करनी है 4 फंदा उल्टा 2 4, 4 फंदा सीधा 2 4। आपको इन 8 फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे आपको धागा आगे, 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा। 1 2 3 4, 2 डिजाइन खत्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, ये उल्टा बनेंगे। 1 2 3 4। सेकेंड रो 4 फंदा सीधा, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। अब इन्हीं फंदों का आपको बार बार रिपीट करेंगे। आपको रिपीट करनी है 4 फंदा सीधा 2 4, 4 फंदा उल्टा 2 4, 4 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा आपको रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे आपके इन्हीं 8 फंदों को। फिर धागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1 2 3 4, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4। 2 डिजाइन खत्म हुआ आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, 1 2 3 4। थर्ड रो भी रो 1 की तरह बुनना है आपको। 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1 2 3 4। अब इन फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे। आपको रिपीट करनी है 4 फंदा उल्टा 2 4, 4 फंदा सीधा 2 4, 4 फंदा उल्टा 4 फंदा सीधा आपको रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे आपको धागा आगे, 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1 2 3 4। 2 डिजाइन खत्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, ये उल्टा बनेंगे 1 2 3 4। फोर्थ रो सेम रो 2 की तरह बुनना है। 4 फंदा सीधा 1 2 3 4, 4 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4। अब ये रिपीट करना है आपको। 4 फंदा सीधा 2 4, 4 फंदा उल्टा 2 4, 4 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा आपको रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे आपको इन 8 फंदों को यहाँ से, धागा पीछे, 4 फंदा सीधा 1 2 3 4, धागा आगे, 4 फंदा उल्टा 1 2 3 4। 2 डिजाइन खत्म हुआ आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा, ये सीधा बनेंगे 1 2 3 4। फिफ्थ रो 1 फंदा से स्लिप करिए स्टिच। अब 1 फंदा उल्टा, अब ये 2 फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करनी है आपको। धागा पीछे, देखिए आप ट्विस्ट करनी है आपको, इस 3 फंदों को ट्विस्ट करनी है आपको। 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा को ट्विस्ट करनी है आपको। देखिए राइट हैंड साइड आगे से लेना है,
ये सीधा फंदा को आगे लाएंगे, ये फर्स्ट फंदा, ये आगे के दो फंदा उल्टा फंदा आपको पीछे ले जाना है। इस तरह से राइट नीडल आगे से डालिए, इस थर्ड स्टिच को आगे ले जाएंगे, फिर आगे के दो फंदा फिर पीछे, और फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब इस तीन फंदों को आपको सीधा बुनना है, फिर एक दो ये तीन, और बीच में आपको देखिए बीच में आपको ये दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर से आपको इस ये सीधा फंदा ये दो उल्टा फंदा आपको ट्विस्ट करने है। ये सीधा फंदा पीछे ले जाना है, यहाँ ले जाना है आपको, ये दो फंदा उल्टा फिर आगे ले जाना है। इस तरह से पीछे से लेना है आपको राइट नीडल, पीछे से आपको इस दो फंदों को आगे ले जाना है, फिर आगे के सीधा फंदा आपको पीछे लेना है इस तरह से। फिर इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल में लेके इस उल्टा फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर सीधा बुनेंगे। फिर अब इस तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, दो या तीन, इस तरह से आपको ट्विस्ट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे आपको इन्हीं फंदों को, यहाँ से ये दो फंदों को छोड़कर एक दो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करनी है, ये तीन फंदों को ट्विस्ट करनी है आपको, ये तीन फंदों को ट्विस्ट करनी है, फिर ये तीन फंद, फिर बीच में आपको दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, फिर से तीन फंदों को ट्विस्ट करनी है। देखिए इन्हें आठ फंदों को आपको बार बार रिपीट करेंगे, ये चार आठ फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे आपको, देखिए ट्विस्ट करना है आपको, ये दो उल्टा फंदा एक सीधा फंदा आगे से लेना है राइट नीडल। ये सीधा फंदा को आगे लाना है, फिर आगे के दो फंदा पीछे इस तरह से। अब इस फंदे को फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब इस तीन फंदों को आपको सीधा बुनेंगे, एक दो ये तीन, देखिए अब बीच में आपको ये तीन दो फंदा सीधा बुनेंगे, एक दे, फिर से ट्विस्ट करनी है आपको, ये सीधा फंदा ये उल्टा दो फंदा आपको ट्विस्ट करनी है। राइट नीडल पीछे से लेना है, पीछे के उल्टा दो फंदा आपको आगे लाना है, इस दो फंदों को आगे, आगे के सीधा फंदा फिर पीछे इस तरह से। आप फिर लेफ्ट नीडल में लेंगे। अब इस तीन फंदों का आपको सीधा बुनना है, फिर एक दो ये तीन, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा ये उल्टा बुनेंगे। सिक्स रो चार फंदा सीधा, सेम रो टू की तरह बुनना है आपको। सिक्स रो चार फंदा सीधा, एक दो, अब ये उल्टा फंदा भी सीधा बुनना है आपको, दो तीन ये चार, चार फंदा सीधा धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन ये चार। अब ये रिपीट करना है आपको, आपको रिपीट करना है, चार फंदा सीधा दो चार, चार फंदा उल्टा दो चार, चार फंदा सीधा चार फंदा उल्टा आपको रिपीट करनी है। फिर से रिपीट करेंगे आपको धागा पीछे, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, दो डिजाइन खत्म हुए आपको यहाँ से यहाँ तक। लास्ट में आपको चार फंदा बचेगा ये सीधा बुनेंगे, एक दो तीन ये चार। देखिए फ्रेंड ये डिजाइन जस्ट सिक्स रोज का डिजाइन है, सिक्स रो में आपका ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से वन रो स्टार्ट करनी है, देन रिपीट करते जाना है वन टू सिक्स रो, सिक्स रोज आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी पूरी प्रोजेक्ट में। रिपीट करते जाने के बाद आपका ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।